75वां आजादी का वर्ष चल रहा है, पूरे वर्ष को हमने अमृत महोत्सव के रूप में हमारी सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। ये जानकारी आपको है ही, सारे देश को है। ये बड़ी मुश्किल से लहू दे करके हमने आज़ादी दी थी और आज़ाद हुए आज 75 साल हुए हैं, तो उसके जश्न को मनाना, लोगों को आज़ादी कैसे प्राप्त हुई वो बात बताना, लोगों के बीच में जाना, शहीदों को जिनके कारण देश को आज़ादी मिली उनका स्मरण करना, बापू को प्रणाम करना, बहुत सारे से बिंदु इसमें छिपे हुए हैं। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के भाग्य विधाता नरेंद्र भाई मोदी ने इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया और यह कार्यक्रम किसी न किसी रूप में पूरे साल चलने वाला है। उसी का ये कार्यक्रम ये तिरंगा यात्रा के रूप में आज महाराज जी, अखिलेश यादव ने भाजपा को सत्ता के दंभ का मोतिया बिंद हो गया है ये बताया है, इस पर क्या कहते हैं? यूँ तो अखिलेश यादव को मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता हूँ, लेकिन संदर्भ में ये कहूँगा कि सियानी बिल्ली खंभा नीचे, बेचारे अखिलेश यादव ने बुआ के साथ समझौता करके देख लिया, पप्पू के साथ समझौता करके देख लिया, सबके साथ समझौता करके देख लिया, पर ढाक के तीन पास भी नहीं बन पाए। अब वो छोटे छोटे दलों के साथ में समझौता की बात कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं छोटे छोटे दल और सारे दल मिलकर के हमारे पास लड़ेंगे हमारे सामने, तभी योगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमें फिर लगता है कि 2022 में हम 300 पार जाएंगे। तिरंगा झंडा बहुत सम्मानित झंडा है, पार्टी के निर्देश के अनुसार उसे हम सम्मान कर सकें। ऐसे जुलूस में कई बार तिरंगे का अपमान हो जाता है, फिर आप मीडिया वालों का एक कैमरा घूम जाएगा, तिरंगा यात्रा के नाम पर हुआ तिरंगे का अपमान। तो हम लोग प्रयास करते हैं कोई विवादित बात न बन सके, तो अभी हम उसी अपने कमल के झंडे को लेकर चल रहे हैं। पार्टी जब तिरंगे की बात करेगी, सम्मान के साथ तिरंगे को लेकर कार्यक्रम।